सो दोस्तों, अगर आपको भी तलाश है किसी जॉब की बट आप जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि गाइस आपके वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास जो है एजुकेशन नहीं है, आपका आप जब भी ट्राई आउट करते हो कहीं भी जॉब अप्लाई करने के लिए तो वहाँ के क्राइटेरिया से आप मैच नहीं करते हो या क्राइटेरिया से अलग निकलते हो, तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी जो है कोई भी जॉब नहीं थी अब तक के एंड आप चाह रहे हो कि आगे चल के जो है आप जॉब करो अदर कंट्रीज़ में, आउटर इंडिया कंट्रीज़ में, तो गाइस अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन जो है आज मैं लेकर आ चुका हूँ एंड उसी के साथ जो है आपके सामने हाजिर हूँ कुछ जॉब्स लेकर जिनके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्राइटेरिया नहीं है, अगर कहूँ तो ना के बराबर क्राइटेरिया है, बस छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो आपको समझनी है क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे बंदे हैं जो कि अदर फील्ड से रिलेटेड हैं एंड देन कोई भी जॉब मेरे पास आती है तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं होती है। तो गाइस अगर ये कंडीशन आपके साथ है तो आज जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है क्योंकि गाइस आज मैं ऐसी जॉब लेकर आया हूँ जिनके लिए जो है आप सभी तरीके के बंदे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं, कोई ज़्यादा हाई क्राइटेरिया नहीं। ओके, तो गाइस शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि गाइस इसमें आपका फ़ायदा है। सो गाइस शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो गाइस आपकी ओमान की है, बेसिकली ओमान की जॉब वैकेंसी है जो कि आपकी पोल्ट्री फार्मर की है। ओके, आपका बेसिकली जो वर्क रहेगा वो पोल्ट्री फार्म में रहेगा एज एन हेल्पर। इसमें 50 बंदों की रिक्वायरमेंट है एंड वो चीज़ आपसे मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि हर तरीके के बंदे इस जॉब के लिए जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन की जो है ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद जो है आपको मेन वर्क दिया जाएगा करने को। ओके, एंड एक और चीज़ बता दूं, इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, ECNR एंड ECR दोनों ही बंदे इस जॉब के लिए जा सकते हैं। सैलरी अच्छी है, 90 प्लस 20 ओमानी रियाल। ओके, 90 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी एंड 20 ओमानी रियाल जो है आपको फूड के लिए दिए जाएंगे। तो ओमान की जॉब वैकेंसी है, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी गाइस। अगर स्टार्टअप करना चाहते हो, अगर कुछ नहीं है अब तलक के कर पाए हो एंड अब परेशान हो गए हो तो गाइस ये अपॉर्चुनिटी के लिए जाओ क्योंकि गाइस हर किसी की ज़रूरत जो है वो कहीं ना कहीं उसको परेशान करती है। हमें आज पैसों की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, सारी ज़रूरतें हैं। तो ये ना सोचो कि अभी जो है आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि सैलरी कम है। ओके, तो गाइस ये मत सोचो, अभी स्टार्टअप है, स्टार्टअप करने के लिए इंसान को जो है एक छोटा सा कदम उठाना पड़ता है। हम जब भी किसी को समझाते हैं तो उससे बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना है, तो गाइस मैं भी आपको वही समझा रहा हूँ, आपको भी एक छोटा स्टेप है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा, बगैर बढ़ाए हुए आप आगे और अच्छी सैलरी नहीं पा सकते हो, इसलिए आपको आउटसाइड इंडिया कदम रखना पड़ेगा। इसलिए ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टार्टअप साबित होगी। बेसिकली सैलरी जो है नॉर्मल है, ओके, अच्छी एवरेज सैलरी है 90 ओमानी रियाल, प्लस आपको फूड भी मिल रहा है, एकोमोडेशन भी मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है एंड मेडिकल भी मिल रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको अपनी बॉडी के रिलेटेड या आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या इन केस आपको साइट पे पोल्ट्री फार्म में जो है आपका कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो गाइस जो है आपका मेडिकल कवर जो है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। ये आपको नहीं मालूम होगा कि मेडिकल कवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम कोई बाहर कंट्री में जाके वर्क करते हैं क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ज़रूर है क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को छोड़ के दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहाँ क्या हो जाए हमें नहीं मालूम, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल कवर में जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपके MOL लेटर पे मेंशन होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लेटर पे मेंशन होगी। बेसिकली आपको ओवर टाइम भी दिया जाएगा, आपकी 10 आवर्स की ड्यूटी रहेगी बेसिकली। ओके, 10 घंटे की नॉर्मल ड्यूटी है, ओवर टाइम भी आपसे करवाया जाएगा अगर नेसेसरली होगा। ओके, अगर ज़रूरत पड़ती है ओवर टाइम की देन आप ओवर टाइम भी करोगे। ओके, बट ओवर टाइम जो है एक एक्सेप्टेशन में रखा गया है, मतलब उसको अलग रखा गया कि अगर काम ज़्यादा हुआ, अगर वर्क ज़्यादा हुआ देन आपसे जो है ओवर टाइम लिया जाएगा, बाकी सब आपका फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, आपकी सैलरी 90 ओमानी रियाल, आपको 20 ओमानी रियाल जो है आपके मंथली फूड के लिए मिलने हैं एंड बेसिकली हर तरीके का बंदा जाता है जा सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, कोई भी आप लाइन से हो तो भी आप जा सकते हो इस जॉब के लिए। ओके, एज क्राइटेरिया जो है आपका गाइस वो बता दूं, छोटा सा एक क्राइटेरिया छोटा सा है बस, आपका एज क्राइटेरिया 22 से 32 साल की एज होना चाहिए बस।
और कोई आपका ज़्यादा हाई क्राइटेरिया नहीं है, बस यही क्राइटेरिया है। बाकी सब जो है आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं गाइस वो सेंड करना पड़ेंगे, जिनकी डिटेल्स जो है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी, वहाँ पर जाओ, वहाँ से लो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करो। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं लगना गाइस, आपका बस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको निकलवाना पड़ेगा, ओके, दो से तीन फ़ोटो आपको भेजना पड़ेंगे, ओके, एंड देन जो है आपको अपने पासपोर्ट स्कैन कॉपी फ्रंट एंड बैक, ओके, एंड आपका रेज्यूम, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स में यही सब लगना है, यही इन्फॉर्मेशन है गाइस। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हाई क्राइटेरिया नहीं है आपका, बस छोटी छोटी सी चीज़ें उसको ध्यान रखना है। सो गाइस यही ख़त्म होती है हमारी आज की मुलाकात, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट गाइस आप तब तक के लिए वेट करो हमारे अपने YouTube चैनल अल्फा ओवरसीज पर, बेसिकली हमारा मतलब हम सबका, आपका भी और मेरा भी, ओके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करो, बहुत ही बेहतरीन जॉब के साथ आपकी मिलूंगा, वादा करता हूँ आपसे, बस आपको बने रहना है हमारे साथ। तो गाइस बाय एंड टेक केयर।